आपका आज वीडियो स्वागत है। और भाई कुछ दिन पहले हम लोगों ने 1920 मूवी जो कि हॉरर मूवी है उसका सीन देखा था, तो उसके बाद हमें एक और उस मूवी का जो सीन है वो रिकमेंड किया गया था, वो कौन सा देखने जा रहे हैं हम। लेकिन पहले पूछेंगे मोहन से, टाइटल है 1920 हॉरर मूवी क्लाइमेक्स सीन, अधा शर्मा, रंजीश दुग्गल, हनुमान चालीसा मूवी सीन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, फॉलो किया इनकी चैनल को, इसके में ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो अपनी लीसा को कैसे बचाएगा? अपने प्यार की ताकत से। नहीं नहीं लेंस लगाया मैं ना। हाँ। वो मुझे ले जाएगा अर्जुन, प्लीज सेव मी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ अर्जुन, बचा लो मुझे, कुछ भी करके मुझे बचा लो अर्जुन, प्लीज प्लीज अर्जुन मुझे बचा लो।
मैंने भगवान से झगड़ा किया था, कसूर ना इंसान का था ना भगवान का, कसूर तुझ जैसे शैतान का था जो इंसान के रूप में आके मुझसे मेरा प्यार छीन रहा था। आज भी तो वही कर रहा है, पर आज मैं तेरे धोखे में नहीं आने वाला। आई थिंक हार पकड़ के मुझे लगा हनुमान का आज मुझे अपना प्यार पाना है। मैं ऐसे गले लगा तो मुझे अपने उस दिन की गलती को सुधारना होगा। मैं अपनी लीसा को तुझे छीनने नहीं दूंगा। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधार वरदौ रघुबर बिमल जसु जोदय बल जान बुद्धिहीन तन जान के सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। जाने दुनिया की चातुर राम का कर वे को तुम चरित्र सुन
जिस भगवान से मैं हमेशा लड़ता रहा, आज उसकी एक बात अच्छी तरह समझ गया था। उसने हम सबको एक मकसद के साथ यहाँ भेजा है। लीसा को उसके पिछले जन्म में सच्चा प्यार नहीं मिला और उसी प्यार को ढूंढते हुए वो इस जन्म में चली आई, पर अब शायद उसका मकसद पूरा हो चुका है। मुझे लीसा को उसके पिछले जन्म में जाके बचाना था और इस जन्म में उसका साथ निभाने का वादा करना था। भाई सबसे पहले तो मैं अदा शर्मा जी जो हैं उनकी एक्टिंग की तारीफ करना चाहूँगा। उनके जो एक्सप्रेशन थे और एक वो कहते हैं ना स्प्लिट पर्सनैलिटी का जो बीच में एक रोल खेला जा रहा था, वहाँ पर मैं कहूँगा कि जिस तरह एक तो उनकी वॉक एक तरफ क्या नाम लेते हैं ऐसे वो जो उनका एक रियल करेक्टर जो बीच में दिखाया जा रहा है, भाई बहुत अच्छी एक्टिंग है उसको देखा जाए तो। बिल्कुल मैं एग्री करूँगी मौलम से, बहुत अच्छी एक्टिंग। बट यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहूँगी हनुमान चालीसा के बारे में, क्योंकि जब ये मूवी हम लोगों ने देखी थी उस टाइम पर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था हम लोगों को, पुनर्जन्म का भी हमें नहीं था पता। हाँ बिल्कुल उसके बारे में नहीं। अभी जैसे उन्होंने बात की ना तो अभी सारी स्टोरी एक समझ में आ रही, और जब आपको कॉन्टेक्स्ट पता होता है ना तो आप वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं और आप फील भी ज़्यादा अच्छे से करते हो। और अभी जिस तरीके से उन्होंने हनुमान चालीसा शुरू किया ना, सीरियसली गूज़बम्प्स आ रहे थे इवन मेरे फेस पे ना। हाँ एक अलग सा एक मैं कहूँगी कि एक सेंसेशन थी जो कि मैं फील कर पा रही थी, और उसकी रीज़न शायद ये है कि हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और हमें पता है कि इस रियल में सबसे ज़्यादा अगर जल्दी कोई आपके साथ कनेक्ट होता है तो वो है हनुमान जी। तो ये हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो में देखी, मे बी वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर मेरे माइंड में चल रही थी और मैं उस चीज़ से कनेक्ट हो पा रही थी कि जब आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आपको एक सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है, आपको अपनी एक आस्था जो है वो दिखानी पड़ती है, फिर आप के साथ जो चीजें होती है ना वो बिल्कुल एक चेंज हो जाती हैं। यार मैं अभी जब ये सुन रहा था ना बीच में, यानी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे आए थे जहाँ पे कुछ सीन को देखकर और कुछ जो है ना हनुमान चालीसा को, यानी कि दोनों जब जो है ना वो एहसासा चल रहे थे ना तो वो आप पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं चीजें, ठीक है ना। तो वो मेरी ये चीज जो थी ना वो एकदम कहते हैं वो लहरें दौड़ना, करंट सा फील होना, सेंसेशन बकायदा फेस पर और यू नो मतलब फील हो ये मुझे थी। मुझे अब वो सही लव्स नहीं बताना आ रहा कि वो जो चीज मैं उस टाइम फील कर रहा था, लेकिन जो है ना नो डाउट ये सीन बहुत अच्छा था। हालांकि ये पूरी पूरी मूवी मेरे जहन से जो है वो निकल गई हुई है कि भाई ये पूरी मूवी स्टार्ट कैसे हुई, एंड इसका जो है किस तरह हुआ। लेकिन हाँ जब क्या नाम लेते हैं अभी जब हनुमान चालीसा जो है स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद एक सीन मेरे जहन में वो कहते ना फ्लैशबैक में जाना और आपको पता चलना, तो वहां से मुझे ये लगा कि जैसे ना वो भागने की कोशिश करते हुए टांग से पकड़ के ये जो है ना खींचते हैं, तो वो सीन मेरे जेन में आ गया था। अच्छा वैसे बीच में जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो आपको काफ़ी ज़्यादा यू नो हैरान करती हैं और आप रियल लाइफ में भाई कभी भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे, जैसे वो पिलर पे चढ़ रही थी, ठीक है ना, फिर उसके बाद जैसे वो नहीं फिर यार कसम से ये वाला तो बहुत ही इंटेंस था, ठीक है ना। हाँ। फिर उसके बाद वो टिकटॉक वाला और वहाँ पे जो उनकी एक्टिंग थी जिस तरह वो यूं यूं करके चल रही थी वो बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि भाई एक बहुत फाइन एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा जी जो हैं। उसके अलावा मैंने उनकी एक वेब सीरीज भी देखी थी पति पत्नी और पंगा, ठीक है ना, वो भी बहुत मजे की वेब सीरीज, शायद आपने नहीं देखी हुई लेकिन वो बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर मैं रजनीश की एक्टिंग को भी मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है, मतलब एक वो एक इंटेंसिटी उनके चेहरे पर नजर आ रही है उस एक सीन को लेकर, जब आप अपने प्यारे को ना मतलब उसको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, अपनी जान की भी परवाह ना करें, सो वो सारे इमोशंस जो है हमें वो इस क्लिप में नजर आए हैं। अच्छा वैसे मुझे क्या नाम लेते हैं देख ना जिस तरह की हॉरर मूवी के सीन थे मुझे लग रहा था या तो ये महेश भट्ट ने बनाई होगी या विक्रम भट्ट ने बनाई होगी। किस तरह की ज्यादा मूवीज विक्रम भट्ट बनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे जादू से रिलेटेड भी मूवीज होती है ना, मतलब तांत्रिक टाइप की, वो भी विक्रम भट्ट काफी ज्यादा बनाते हैं। वेब सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहली वेब सीरीज इन्हीं की देखी थी तांत्रिक, मेरा ख्याल में इंटरनेट पर मतलब उस पे गूगल के यूट्यूब पर। हाँ मुझे वैसे तांत्रिक का तो नहीं पता, लेकिन जो मैं इनकी फर्स्ट टाइम जिस मूवी से इंट्रोड्यूस हुआ था वो मैं राज मूवी से इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत सारी देखी है ना, लेकिन ये कि जो वेब सीरीज जहाँ से मुझे वेब सीरीज का एक पता चलना शुरू हुआ तो मैंने वो देखी थी, वैसे इंटरेस्टिंग थी, मजा आया था वो भी देखने का। एनीवे गाइस ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, थैंक यू सो मच हम लोगों को ये सजेस्ट करने के लिए। और किस मूवी के आप वीडियो क्लिप्स जो है वो देखना चाहते हैं वो भी जरूर हम लोगों को रिकमेंड करिएगा, और इसी के साथ हमें गुड बाय।